एगो चलो खाइबा आधा किलो पानी हम दे देते खान देखिए। इतना तेज बहा है कि वहाँ पे जरा से भी चूक जाएंगे नाव डूब जाए। हम लोग को जाने में 5 से 6 दिन लगता है इलाहाबाद मोटर बोट से। हम लोग गए खुद ही। तो पैसे भी पैसे कितने लेते हैं वहाँ के? पैसे वो टूर होता है भैया 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बुकिंग होती है। अच्छा पूरा टूर होता है। देखो भाई कॉलेज के अंदर ही है मंदिर, काफी बड़ा है भाई, शिव जी का मंदिर है। ये देखो भाई, तभी तो से बोलते हैं कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है भाई BHU जो। ठीक है इंडिया के मेरे ख्याल में थर्ड नंबर पे है ना, इंडिया के थर्ड नंबर पे आता है भाई BHU अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज आपके लिए लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को घुमाने को बनारस। ठीक है तो भाई आप लोगों को जैसे आपने लास्ट ब्लॉग मेरा देखा होगा भाई मैं होम टाउन में आया हुआ हूँ अपने। तो भाई होम टाउन से मेरे बनारस जो पड़ता है वो काफ़ी पास पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, 130-140 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है मुझे वहाँ थोड़ा सा कुछ काम भी है तो मैंने कहा आप लोगों को भी घुमा देता हूँ बनारस। तो भाई वहाँ पर ले चलूँगा, वहाँ की आपको लोकल स्ट्रीट घुमाऊँगा और वहाँ का आपको स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ, क्या फेमस है वो सब चीज़ें दिखाता हूँ, घाट वगैरह घुमाऊँगा और शाम की भाई आपको आरती ज़रूर दिखाऊँगा। आरती देखना मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है बाकी भाई अभी मैं यहाँ से अपने यहाँ से निकल चुका हूँ और फिलहाल बज रहे हैं भाई 9:30 और लगभग भाई लगते हैं यहाँ से 3-4 घंटे लगते हैं यहाँ से बनारस पहुँचने में, क्योंकि भाई हाईवे तो ठीक है अपना जो आजमगढ़ से बनारस जो हाईवे जाता है वो आजमगढ़ वो ठीक है, बट बीच बीच में क्या है ना अपने कटना पड़ता है मार्केट वगैरह से होके हुए निकलना पड़ता है तो इस मारे थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी भाई मैं फिलहाल अभी गाड़ी ही चला रहा हूँ। तो भाई मैंने पहले तो ऐसा कुछ ब्लॉग का सीन नहीं था, फिर मैंने कहा चलो यार ब्लॉग एक बना ही लेता हूँ छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को भी दिखा दूंगा किसी को कल को भाई बनारस वगैरह घूमना होगा तो भाई थोड़ा सा हेल्प तो हो ही जाती है। बाकी भाई अपने कुछ ना कुछ तो दिखाना भी है आप लोगों को भाई होम टाउन के अगल बगल क्या क्या हमारे। तो भाई पूर्वांचल जैसा मैंने आपको बताया पूर्वांचल ही पड़ता है अपना, तो वहाँ पे बनारस हो गया, अयोध्या है और क्या बोलते हैं इसे मऊ है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, इलाहाबाद है, तो भाई ये सब ये सारी जगह पड़ती है, मिर्ज़ापुर है, तो ये सारी जगह पड़ती है भाई घूमने घुमाने लायक। तो मैं जैसे भाई अभी बनारस जा रहा हूँ तो आपको घुमाता हूँ। चलो भाई अब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स के थोड़ा सा इन्जॉय लो और देखो भाई रोडे वोडे दिखाता हूँ आपको यहाँ की रोड कैसी हैं। पहले तो भाई ऐसे हाईवे थे नहीं, अभी ये रिसेंट में अभी हाईवे बने हैं वो भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का हाईवे वगैरह कैसे है, बाकी आपको पता चल रहा होगा इस हिसाब से कैमरा हिल रहा है यहाँ की रोड का हाल। चलो आ जाओ आपको दिखा। और बाकी भाई आपको रास्ते में दिखाऊँगा एक जगह में अभी क्या बोलते हैं जलेबी बाबा हैं भाई, जलेबी बाबा ना मंदिर ये भाई मेरे साथ मंदिर, तो जलेबी बाबा दिखाऊँगा अभी मैं आपको जो कि यहीं पे आगे बढ़ता है कप्तानगंज से आगे बढ़ता है मनुरी मनुरी करके जगह, वहाँ वो एक बाबा बैठते हैं वहाँ वो बिल्कुल बाबा की ड्रेस में रहते हैं और वहाँ जलेबी बेचते हैं और जलेबी भाई एक नंबर होती है, खूब मतलब टेस्टी होती है, ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसी है, जलेबी एक नंबर होती है। और वहाँ पर भाई चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो मतलब कोई अफसर भी हो कोई भी हो विधायक क्यों ना हो भाई जो भी आएगा वो लाइन में लग के ही खाता है, तो वहाँ का ये खासियत है भाई अगर लाइन है तो लाइन में आना पड़ेगा आपको। ठीक है चलो अब वहाँ जाता पहले से पहले डलवाता हूँ भाई थोड़ा तेल गाड़ी में। गाइस पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और यहाँ का देखो पेट्रोल पंप का हाल अभी दिखाता हूँ। बाकी यहाँ का जो रेट है ना वो रेट है भाई 90 रुपये का रेट है, 3000 रुपये डलवाता हूँ देखता हूँ भाई कितना आएगा, वैसे तो 3000 रुपये में अप डाउन कर जाएगी गाड़ी, बाकी तो भाई आप देख ही रहे हो इसका एवरेज मैंने आपको बता ही दिया क्या आता है। तो भाई 3000 में देखो भाई अभी टुकाटा चल रहा है ऊपर और आया है 33 लीटर डीजल आया है 3000 के डीजल 3000 में और भाई अभी काटा चढ़ा मतलब आधी टंकी से ऊपर दिखा रहा है अभी, बाकी देखते हैं भाई आधी टंकी में कट 250 किलोमीटर 260-270 किलोमीटर करेगी नहीं करेगी ये, बाकी फिलहाल देख लो 931 हो रहे हैं, मैं घर से भी 2-2.5 किलोमीटर ही चलाऊँ खाली। ठीक है बाकी भाई यहाँ देखो टोल टैक्स आने वाला है और ये भाई अपने घर का टोल ही है घर के पास ही है, तो भाई इसका अपने पास समाधान रहता है, गाँव का रास्ते से निकल जाते हैं यहाँ से तुम और एक ही टोल आता है भाई ये जिस भाई को नहीं पता, अगर कोई भाई आ रहा होगा अगर भाई आप अम्बेडकर नगर इस साइड से आ रहे हो तो आजमगढ़ वाले हाईवे पे सिर्फ एक टोल आएगा और वो भी मैं आपको कट बताता हूँ कट कहाँ पे है उसका, वो आपको मैं कट दिखा देता हूँ। ये टोल टैक्स का आपके पास आएगा एक यहाँ पे बोर्ड आता है 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर वाला जो बोर्ड आएगा बस वहीं से एक रास्ता अंदर कट रहा है, उस रास्ते से कटोगे तो भाई गाँव से आप बाहर निकल जाओगे। देखो देखो ये रहा 500 मीटर वाला आ गया, देखो ये देखो सामने 500 मीटर वाला और ये रहा अपना कट,
तो भाई जिसको टोल बचाना होगा 80-90 रुपये बचाने होंगे तो यहाँ से आ जाना, बात इतनी पड़ती है भाई, ज़्यादा ज़्यादा 100-200 मीटर का फर्क आएगा बस। बाकी ये रोड थोड़ी ख़राब है भाई, ये नहर का रास्ता। तो ये देख लो भाई, अब आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे पड़ती है भाई कप्तानगंज मार्केट बोलते हैं इसको, उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ से पड़ता है, देखो राइट हैंड में कट जा रहा है जो है अपना निजामाबाद होते हुए निकलेगा, ये रोड निकलता है बनारस, ठीक है। सीधा जाओगे तो आपको लंबा पड़ेगा हाईवे, तो यहाँ से शॉर्टकट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कट लेंगे और यहीं पर भाई देखो उधर जलेबी बाबा हैं, अगर होंगे तो चलो वहीं दिखाता हूँ आपको बाकी जलेबी बाबा की जलेबियाँ, एक बार चेक करना पड़ेगा, देख यार है क्या। चलो खाई बाग आधा किलो पनीर दे देते खान देखिए। तो भाई ये देख लो, ये हैं जलेबी बाबा की जलेबियाँ, और बाकी मैंने आपको दिखा दिया बाबा का गेटअप देख लिया होगा आपने, बाबा हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और भाई ये जलेबियाँ हैं, वैसे तो मैं पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ भाई, अच्छी होती है जलेबी, मतलब औरों के मुकाबले अच्छी है। तो भाई एक पाव लिया मैंने, भाई फटाफट खाएंगे और निकलेंगे। तो ये देख लो भाई, अब थोड़ा अब थोड़ी दूर मान के चलो भाई, ये वन वे चलेगा ऐसी, बाकी तो वो तो अपना हाईवे जो है आजमगढ़ से बनारस वाला हाईवे था ही वो, तो वो वहाँ से मंदूरी चौराहा पड़ता है भाई, वहाँ से कट लिया था हमने बनारस के लिए, क्योंकि क्या रहता है ना वरना वो हाईवे भाई पूरा आजमगढ़ आपको सिटी घुमाते हुए लेके जाएगा, अब ये क्या है डायरेक्ट आपको बीच में से कट मार के सीधा उसी वाले हाईवे पे ले जाएगा, तो आपका टाइम भी बचेगा और भाई किलोमीटर्स भी कम हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी है वो भी बच जाएगा आपका। तो ये देख लो भैया, जब बनारस से भाई आप रह जाओगे ना 30-35 किलोमीटर, तो भाई एक दो आते हैं वैसे तो, एक तो ये रही भाई क्रॉसिंग और एक जो मैंने पहले क्रॉस कर लिया, तो भाई ये क्रॉसिंग जब आ जाए तो समझ लो भाई बनारस आप लोग पहुंच जाओगे आधे सवा घंटे में इसके बाद भाई, वैसे तो ठीक है यार टाइम नहीं लगा, तो 2-3 घंटे लगेंगे मुश्किल से। तो देखो भाई, एक तो स्कूल टाइम हो गया, थोड़ा सा रश मिल रहा है अपने को, बाकी भाई ये फिलहाल अभी हमें जौनपुर में, तो ये रास्ता भाई आजमगढ़ जौनपुर होते हुए निकलता है बनारस। तो ये देखो भाई यहाँ पे मंदिर आ गए, यहाँ से दो कट जा रहे हैं, तो अपने को राइट वाले कट से चलना है, ये लो भाई ले लिया राइट कट, बस थोड़ी देर का जाम है, उसके बाद फिर वापस अपना वही हाईवे मिल जाएगा। फिलहाल अभी ये सिंगल लेन जब तक रहेगी जब तक भाई थोड़ा जाम तो झेलना ही पड़ेगा, बाकी भाई ये बात है भाई गाड़ी के भाई जो रिएक्शंस मिल रहे हैं ना भाई हर जगह एक नंबर, मजा आ जाएगा आपको भाई, जो कोई देख रहा गाड़ी बंदा भाई मुड़ के जरूर देख रहे हैं गाड़ी। तो भाई देख लो अब पहुंच चुके हैं बनारस में, एंटर कर चुके हैं भाई, देखो स्ट्रीट लाइट, देखो यहाँ की स्ट्रीट लाइट सबसे प्यारी लगती है मेरे को, और ये देख लो भाई डीजे वीजे सेट हो रखा, किसी शादी वादी हो रही होगी। बाकी भाई महादेव की नगरी में आ चुके हैं, ओ भाई टाइम जो लगाया वो मेरे को लगा भाई 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा मतलब 2 घंटा 40 मिनट भी नहीं लगा यार, 9:30 निकला हूँ, 12:40 हो रहे हैं, तो आप लगा लो 2 घंटा 10 मिनट लगे हैं। ये देखो भाई, ये भाई एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देख लो डेडली लोग हैं ये लोग, डेडली इन्हें जान की परवाह नहीं है अपनी। तो चलो भाई बनारस अपना पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा भाई रेस्ट वेस्ट करेंगे और उसके बाद भाई अभी दोपहर में तो नहीं यार कहीं निकलने लायक मन नहीं कर रहा, शाम में निकलेंगे, यहाँ पे घाट वाट घुमाऊंगा और देखता हूँ लोकल मार्केट, यहाँ पे शायद दाल मंडी भी मैंने काफ़ी देखा हुआ है और भी 2-3 जगह हैं घूमने लायक, तो वहाँ निकलूँगा भाई शाम के टाइम, तो शाम का व्लॉग दिखाता हूँ बाकी आपको। अब चल के भाई मैं भी रेस्ट करता हूँ, थक चुका हूँ थोड़ा मैं भी, तो चलो भाई मिलते हैं शाम को, जब तक आप थोड़ा बहुत यहाँ का आपको व्यू दे। तो भाई हो ये देख लो भाई, ये कैंट एरिया, ठीक है इसको बोलते हैं कैंट, यहाँ देख लो भाई ये है रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, देखो भाई बस स्टैंड है भाई यहाँ पे बनारस का, बस स्टैंड यहाँ है और उस तरफ देखो वहाँ पर ट्रेन चलती हुई दिख रही है और उस तरफ अपना है रेलवे स्टेशन, तो भाई यहाँ पे बहुत जाम मिलता है यार, काफ़ी जाम है।
चलो बाकी अभी आपको दिखाता हूँ मैं रेलवे स्टेशन। यहाँ तो बस 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 तो वो देख लो भाई, यहाँ का रेलवे स्टेशन देखो हो रहा ये भाई, यहाँ पे भाई एक नंबर बना रखा है। ये देखो टंकी वंकी से मस्त बस मतलब अच्छे तरीके से इसमें ग्राफिक्स वगैरह लगा रखे हैं तेरे भाई, पूरा मतलब अच्छे तरीके से सजा दिया है भाई। जब से मगर ये बात है, जब से अपने योगी जी आए हैं उन्होंने भाई पूरा कल्याण कर दिया यूपी का। देखो कितने बढ़िया तरीके से सजा रखा है सब फ्लाईओवर वगैरह भी। भाई यार अभी पहले तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को भाई। देखो भाई सुबह सुबह हो रही है, अभी 5:30 बज रहे हैं। कल तो भाई रात में सो मतलब शाम में आते इस मतलब दोपहर में पहुंचा, फिर खाना पीना खा के मैं सो गया और भाई फिर रात में हो गया लेट आरती के लिए। तो भाई सुबह सुबह उठाऊँ 5:30 बजे, अब चलता हूँ देखता हूँ भाई वही आ रहे हैं कुछ हमारे, वो घुमाएंगे अब हमें बनारस। बताता हूँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं यार। भाई 80 घाट पर आए हैं, यहाँ पे सुबह सुबह हो रही है आरती, तो सुबह की आरती दिखाता हूँ आपको 80 घाट की। शाम में होती है 10 घाट में, उसकी आरती बड़ी होती है काफ़ी भाई। अब यहाँ चलो आपको दिखाता हूँ 80 घाट की आरती, पहुँच गया भाई घाट पे हम लोग। देखो भाई 80 घाट, भाई सुबह भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है लोग, भाई सुबह सुबह आरती देखना है। देख लो भाई सुबह सुबह गंगा जी का दर्शन करा देता हूँ आपको। ये देखो भाई बोट स्टार्ट हो गई सवेरे भी अपने, जिसको भाई बोट में घूमना हो वो भी घूम सकता है। देखो भाई ये सब जो बने हुए ना पहले के बहुत सुंदर बने हुए हैं, और इतने टाइम पहले के बने हुए और इतने नए मतलब अच्छे तरीके से इसको मतलब मेंटेन कर रखा है यहाँ के लोगों ने। ये 80 घाट भाई गंगा जी का सुबह सुबह देख लो भाई। ये वाली ना ये वाली है। तो ये देख लो भाई ये तीनों जो है ये तीनों मशीन है जो यहाँ का पानी गंगा जी का पानी सप्लाई करके जो भाई यहाँ पीने का पानी जाता है लोगों के घर में। ये है देखो ये मशीन है सारी। बाकी भाई बोट करी है अभी हमने, तो आ रहे हैं भैया बोट वाले, फिर ये हमें ले आएंगे उस पार, वहाँ तक घुमा के लाएंगे, वहाँ पर देखते हैं, उधर थोड़ी देर रुकेंगे फिर आएंगे। बाकी सनराइज अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखो भाई सुबह सुबह बोटिंग स्टार्ट हो गई है लोग, वो आ रहे हैं भैया। हमने हम लोगों ने स्टीमर नहीं करी क्योंकि भाई स्टीमर बहुत जल्दी घुमा देता है ना, भाई हैंड बोट करेंगे आराम से घूमेंगे। चलो भाई देख लो बोट अपनी आ गई है, अब इसमें बैठेंगे और करेंगे भाई गंगा जी में अपनी सैर। भाई सुबह सुबह की अलग ही वाइब है, कहीं भी अगर आ जाओ ना आप धार्मिक स्थल में अलग वाइब आती है यहाँ पे आके। बैठ जा इधर लोग घुमाते हैं क्या इस पे घोड़े वोड़े पे घोड़ा घोड़े वोड़े। बाकी देख लो
सुबह का ही मज़ा यार, दिन में कोई मज़ा नहीं है, रात में यार वो फिर वो मज़ा नहीं आता है, चीज़ें समझ लो कम दिख पाती है ना रात में, दिन में सुबह सुबह आओ मज़ेदार एकदम। वही वाला क्रूज बता रहे थे ना भी आप, वही जो क्रूज दिखाते ना उस पर वाइट वाला जो है। ऐसे कितने घाट हैं यहाँ पे? 84 घाट हैं। तो अभी हम लोग जो थे वो 80 घाट पे थे। अच्छा स्टार्टिंग है। अच्छा स्टार्टिंग यहाँ से। अच्छा इसके बाद है सारे लाइन से, इधर इधर है पीछे। एक दो घंटे, दो तीन घंटा लग जाएगा पैदल मेरे ख्याल में यहाँ से सारे घाट घूमने में, पैदल पैदल सारे कनेक्ट, सारे घाट कनेक्ट है मतलब है। मोटर बोट से 5-6 दिन लगते हैं ऐसे इलाहाबाद जाने में। आप यहाँ पे तो नॉर्मल गंगा देख रहे हैं, पैसे भी, पैसे कितने लेते हैं वहाँ के पैसे? अच्छा पूरा टूर होता है उसका, तभी इतना समय लगता नहीं, कितनी समय नहीं लगती होगी तभी तो हैरान मान लीजिए भाई 1.5-2 लाख रुपए आप लोग, 1-1.5 लाख। गाइस बोट राइड अपनी खत्म हो चुकी है, ये देख लो बाकी, और सनराइज अपने देखो हो चुका है, सनराइज भी हो चुका है, बोट भी अपनी राइड खत्म हो चुकी है। भाई 100 रुपये लिए इन्होंने सुबह, भाई वैसे थोड़े ज़्यादा लेते हैं, शाम के टाइम 50 रुपये में 30-40-50 जैसे ले लें, तो भाई सुबह सनराइज़ का पैसा है ना, और बाकी भाई जो बर्ड्स है ना तो इसका पैसा लेते हैं, क्योंकि भाई सुबह सुबह आके बैठती हैं बोट के अगल बगल, वो आपने देख लिया वो सारा सिनेमेटिक शॉट्स मैंने डाले हैं मुझे, बाकी अब देखते हैं भाई कहाँ लेके चल रहे हैं भाई लोग, थोड़ी देर वहाँ घूमते हैं फिर उसके बाद भाई अपने वापस घर निकलेंगे। चलो जब तक आपको घुमाते हैं, और बाकी भाई शाम की आरती मिस हो गई थी, दिन की भाई हल्की होती है 80 घाट की, तो मैंने वो आपको थोड़ी सी दिखा दी। देखो भाई यहाँ पे सारे घाटों का निकल रखा है इन्होंने, पंचकोट चौकी घाट देखो, लाइन वाइज भाई सारे घाट इसमें अच्छे हैं। तो भाई ये देख लो भाई यहाँ पे योगा कैंप चल रहा है, लोग आते हैं भाई सुबह सुबह अपना यहाँ पे योगा वगा करते हैं, सामने गंगा जी है और इधर ये लोग भाई देखो योगा करते हैं, बड़े मन योग से पीठ सीधा है, गहरी सांस ले, सांस निकाले, गुदामार को आकुंचन करें, मूल बंद पेट को पीट। तो भाई 80 घाट से घूम के अब चल रहे हैं भाई BHU घूमने, तो भाई गाड़ी गाड़ी से घूमेंगे फटाफट, तो दिखाता हूँ आपको BHU, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ BHU कैसा है भाई अंदर से, भाई इतना सुना भाई हम लोगों ने भाई इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो भाई हम भी देखते हैं कैसी है यूनिवर्सिटी, कैसा भाई वहाँ पे हैगा अपना क्या बोलते हैं उसे कैंपस, कैंपस देखते हैं चल के अब ऐसे नहीं लगवा सकते। बाकी ये देख लो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब BHU ना, BHU पहुँच चुके हैं देख लो, तो ये इसके मेन एंट्रेंस है ना, ये मेन एंट्रेंस है, तो इसमें कॉलेज ही है सिर्फ, और भी कुछ है इसके अंदर? अच्छा हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, और यहाँ पे अच्छा बड़ा है काफी है, इसमें सारे कोर्स होते होंगे फिर तो, सब होता होगा इसमें, खाली कॉलेज है ना ये, कॉलेज भी और यहाँ पे वो रिटायर्ड फ्रंट नहीं हेलीपैड वगैरह भी है इसमें। तो कॉलेज के अंदर ही है अभी हम लोग,
आप चलते रहेंगे खत्म नहीं होगा। ये सब देखो भाई, ये सब BHU के अंदर ही है। बहुत बड़ी है यार, अब तो काफ़ी काफ़ी दूर गाड़ी से आए हम लोग, गाड़ी खड़ी करी है, अब यहाँ से अंदर की तरफ चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे भाई जैसे कोई शहर, छोटा छोटा सा शहर बना रखा है। सारी हर चीज़ की दुकानें वकानें हैं यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब की। देखो अभी तो सुबह सुबह बंद है। अरे देखो भाई मंदिर है एक अंदर, ये मंदिर भी इसी के अंदर आता है ना। अच्छा जो बेच चुके जो मेन है, अच्छा अच्छा मदन मोहन मालवीय जी हैं। देखो भाई कॉलेज के अंदर ही है मंदिर, काफी बड़ा है भाई, शिव जी का मंदिर है। ये देखो भाई, तभी तो से बोलते हैं कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है भाई BHU जो थी। दर्शन भाई कर चुके हैं, तो आपको देख के समझ आ गया होगा भाई, इतना सुबह सुबह दर्शन भी हो गए, गंगा जी भी घूम लिए, बाकी BHU में भी और घूम रहे हैं भाई लोग, घुमा रहे हैं BHU। देखते हैं भाई और क्या क्या है, पहली बार आया हूँ भाई। 10 घंटा हम जितना घूमे थे पूरा एक दिन में। अच्छा पहले, अच्छा अच्छा तो पूरे दिन में वहाँ से गेट यहाँ से चक्कर मारे थे। अब हम बता रहे थे कि पूरा कहानी, जो यहाँ के जो राजा थे रानी नरेश, तो जो यहाँ के राजा थे तो मदन मोहन जी जो जी है, तो उनसे मतलब कुछ हुआ था तो वो राजा जी खुश हो गए, तो बोले कि जहाँ तक तुम पैदल अच्छा। चलोगे वहाँ तक का तुम्हारा जमीन हो जाएगा। अच्छा तो ये स्टोरी है मतलब यहाँ की, तो जहाँ तक ये मतलब चले थे तो वही गेट से शुरू किए थे। अच्छा होते होते वैसे वैसे गांव था उधर, पहले उधर गांव के किनारे किनारे कहीं जितनी दूर वो पैदल चल सकें, यहाँ आके लास्ट बोलने के बस इतने। तो लगभग 10 घंटे लग जाते हैं पैदल अगर घूमना पूरा है तो। अब तो मेरे ख्याल में कम हो गया क्योंकि अब तो सारी बिल्डिंगें बन गई हैं चारों तरफ। नहीं तो इसके आउटर है सब बिल्डिंग, नहीं अंदर भी ऐसा मतलब ये बन गया ना अंदर तो भैया वो है। हाँ मतलब कॉलेज है, हॉस्टल है, बाकी इसकी चारों साइड से बाउंड्री है। गाड़ी से भी मेरे ख्याल में काफी टाइम लगेगा यहाँ पे, गाड़ी से भी काफी टाइम लग जाएगा घूमने में। है बहुत बड़ा है, इंडिया के मेरे ख्याल में थर्ड नंबर पे है ना, इंडिया के थर्ड नंबर पे आता है भाई BHU अभी। कैंपस वाइज नहीं होगा, कैंपस वाइज तो मेरे ख्याल में ये बड़ा है, कैंपस तो बहुत बड़ा है इसका, कैंपस नहीं होगा DU का भी इतना बड़ा। एक ब्रांच यहाँ पे इसका और एक ब्रांच इसका मिर्जापुर के लिए BHU का। अच्छा तो भाई भी देख लो हम लोग BHU में ही चल रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई ये। तो गाइस मैं कर रहा हूँ भाई बनारस के ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत ही घूम पाया मैं, खुद नहीं घूम पाया। एक तो भाई थोड़ी सी गाड़ी वगैरह में दिक्कत थी, एक तो उसका ना सिस्टम नहीं चल रहा था और यहाँ पे भाई कोई देख नहीं पा रहा था, तो भाई बहुत टाइम लगा मेरे को उससे कराने में, इतनी दुकानें ढूंढी ना मैंने, उसके बाद एक बंदे ने हाथ लगाई गाड़ी पर, ना कोई हाथ नहीं लगाने को राजी था कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे इस गाड़ी में, ये है वो है जहाँ से है वहीं से कराओ ठीक है। तो उसका सिस्टम भाई थोड़ा सा काम चलाओ कराया मैंने अभी, ताकि भाई क्योंकि बिना सिस्टम की गाड़ी क्या चलेगी, बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो भाई वो भी काम कराना पड़ा। बाकी थोड़ा सा और काम था, बाकी जिस काम के लिए आया था वो भी काम था यार, तो ज़्यादा नहीं घूम पाया, थोड़ा बहुत सुबह 80 घाट घूमा। बाकी मैंने बोटिंग वगैरह जो कर हमने उसमें घूमे थे नाव वगैरह में वो दिखा दिया मैंने आपको, और थोड़ी सी वहाँ पर आपको मैंने BHU घुमाया। बाकी मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस वगैरह कैसे कैसे जाना है आना है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँ जिसमें भाई मैं आपको ज़्यादा लोकल फूड्स और मतलब क्या क्या फेमस हर चीज़ उसका प्रॉपर एक बनाऊँ, तो भाई उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देना, क्योंकि भाई यहाँ मैं आधा रहता हूँ, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे फिर से दोबारा और उसका प्रॉपर ब्लॉग करेंगे आपका, एक दो दिन का आराम से पूरा ट्रिप मारेंगे यहीं का ठीक है। तो इस ब्लॉग को भाई मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करके जाना, यहाँ तक वीडियो अगर देख लिया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।